टोनग्यू यानी जीप पे हुए हैं कीड़े, और देखिए चिमटी हमारा ब्लैक वाला कीड़े को रिमूव करेगा। तो देखिए ये वाले ब्लैक वाले कीड़े को पकड़ा और फेंक दिया, रिमूव किया, और ये वाला भी ब्लैक वाला कीड़ा, इसको भी देखिए सेफ तरीके से फेंका। अभी बहुत सारे कीड़े हैं तो हम लोग सबको आज रिमूव करेंगे इसका ट्रीटमेंट करके। तो ये भी रिमूव हो चुका है, अभी दो कीड़े बचे हुए हैं। ये ब्लैक वाले कीड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो पकड़ा हमारे चिमटी ने और इसको भी देखिए सेफ तरीके से फेंक दिया है। और ये हमारे चिमटी का काम खत्म हो चुका है, हम लोग आ जाएंगे बड़े वाले चाकू के साथ। और ये हमारे बड़े वाले कीड़े को एक ही बार में काट के गिरा दिया गया दूसरा चाकू। तो ये छोटे छोटे कीड़े लगे को उसको भी रिमूव किया। इसके जीप पे देखिए बहुत ही सादे तगड़े वाले कीड़े लगते हैं। और ये बड़े वाले घावद वाले कीड़े थे, ये भी गिर चुके हैं। अभी घिनौरी टाइप के तीन कीड़े बचे हुए हैं। तो देखिए बहुत ही औसम तरीके से काटा हमारे गिड़ासा वाला चाकू ने। और देखिए ये रेड वाले कीड़े थे, ये भी रिमूव हो चुके हैं औसम तरीके से। ये केचुआ वाला कीड़ा था, एक ही बार में गिरा, पूरा का पूरा फिनिश हो चुका है। अब ये हमारा चिमटी पकड़ा कीड़े को और रिमूव किया। और ये छोटे वाले कीड़े को पकड़ा, इसको भी रिमूव कर दिया है औसम तरीके से। अभी ये बड़ा वाला कीड़ा बचा हुआ है, इसको भी पकड़ा और इसको भी देखिए सेफ तरीके से रिमूव कर चुका है। और ये हमारे चिमटी का काम खत्म हो चुका है, हमारा गया चाकू। और देखिए रेड वाले कीड़े को सेफ तरीके से फेंका, आ गया हैंड वाला चाकू। और देखिए छोटे छोटे मैंगोस को रिमूव कर दिया एक ही बार में। और ये ट्राइपोफोबिया नाम के वायरस थे, ये भी रिमूव हो चुके हैं। हम लोग इस पे स्प्रे मार देंगे। तो एक जगह इसके जीप पे स्प्रे मार चुके हैं, दूसरी जीप पे भी मार देते हैं। तो देखिए दूसरी जगह भी जीप पे मारा चुका है स्प्रे। हम लोग कॉटन वूल से इसे साफ करेंगे। तो टाइमर चला देते हैं, टाइमर चलाने के बाद देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है, इसका जीप साफ हुआ कि। हे गाइस, आप लोग देख सकते हो लड़की के पूरे फेस पे हो चुके हैं कीड़े। और देखिए चाकू के माध्यम से हम लोग आज इसको पूरा ही रिमूव करेंगे, इसके पूरे कीड़े को। इसके चेहरे पे लगे हैं पूरे ही कीड़े। और देखिए हमारा चाकू बहुत ही सेफ तरीके से काट रहा है हर एक कीड़े के बच्चे को। और ये देखिए चिमटी पकड़ा बहुत ही केचुए वाले कीड़े को और इसको भी, और देखिए सबको ये रिमूव करता हुआ जाएगा। और ये लास्ट वाला बचा हुआ था, इसको भी देखिए हम लोगों ने सेफ तरीके से रिमूव कर दिया है। अब ये हमारे चिमटी का काम खत्म हो चुका है, हमारा आ गया चाकू। और ये मस्तिष्क वाले कीड़े को रिमूव किया एक ही बार में। ये कांटेदार वाले कीड़े थे, ये भी रिमूव हो चुके हैं। ये सब बहुत ही ज्यादा घिनौने टाइप के कीड़े हैं, ये भी रिमूव हुए धीरे धीरे। ये भी बहुत ही डेंजरस कीड़े होते हैं, इसको भी रिमूव हम लोग कर दिए हैं। और देखिए हमारा ग्रीन वाला चाकू बहुत ही सेफ तरीके से काटा। और ये घिनौना टाइप का कीड़ा था, ये भी रिमूव हो चुका है। आगे हमारा रंग बिरंगा चाकू।
और ये भी देखिए सेफ तरीके से काटा दो वायरस को। ये वाट वाले कीड़े हैं, ये भी रिमूव हो चुके हैं। और ये मैंगोट्स भी हैं, तो हमारा चाकू बहुत ही सेफ तरीके से मैंगोट्स को रिमूव किया। आगे हैंड वाला चाकू, और ये भी कीड़े को रिमूव कर दिया काट के पूरा का पूरा। और हमारा सिल्वर वाला चाकू था, वो भी मैंगोट्स को रिमूव कर दिया है। तो देखिए मैंगोट्स कई प्रकार के लग चुके थे इसके पूरे फेस पे। तो हम सबको रिमूव कर दिए। और देखिए हम लोग दवा लगा देते हैं, एक जगह दवाई पड़ चुकी है, अब दूसरी जगह भी क्रीम ने दवा लगा दिया है। तो हम लोग अब इस पे कॉटन वूल रुई से इसे साफ करेंगे इसके पूरे ही फेस को, और देखते हैं इस लड़की का फेस तरीके से ट्रीटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है इसका चेहरा। तो लड़की के पूरे ही हेड पे हुए हैं कीड़े और फेस पे भी। तो देखिए हमारा चाकू घिनौने टाइप का कीड़ा काट चुका है, अब दूसरा वाला चाकू काटेगा बहुत सारे घिनौने टाइप के कीड़े को। तो ये भी घिनौने टाइप के वायरस थे, वो भी रिमूव हो चुके हैं। आगे हमारा गिड़ासा वाला चाकू, और देखिए फेस पे लगे हुए कीड़े को रिमूव किया एक ही बार में। आगे हमारा वैक्यूम, और ये देखिए कैक्टस वाले कीड़े को फेंकेगा। तो ये कैक्टस वाले कीड़े बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, और दूसरे वाले कैक्टस वाले कीड़े को पकड़ा, इसको भी देखिए रिमूव किया बहुत ही सेफ तरीके से। अभी एक बचा हुआ है तो ये भी पकड़ में आया, और देखिए ये भी रिमूव हो चुका है बहुत ही ऑसम तरीके से। तो हमारा वैक्यूम का काम ख़त्म हो चुका, हमारा चाकू आ गया। तो ये रेड वाले घिनौने टाइप का कीड़ा था, ये भी रिमूव हो चुका है बहुत ही सेफ तरीके से। हमारा अब आएगा चिमटी, और ये केचुए वाले कीड़े को पकड़ा और सेफ तरीके से रिमूव कर चुका है। अभी एक और बचा हुआ है, इसको भी पकड़ा, इसको भी देखिए सेफ तरीके से रिमूव कर चुका है। अभी ये लास्ट वाला बचा हुआ है, इसको भी देखिए पकड़ में आ गया, और इसको भी देखिए रिमूव कर चुका है बहुत ही ऑसम तरीके से। हमारे चिमटी का काम ख़त्म हो चुका, हमारा आ गया चाकू। और देखिए होलसेल वाले कीड़े को निकाला एक ही बार में, अभी ये घिनौना टाइप का कीड़ा था। देखिए इसके फेस पे लगे हुए घिनौने टाइप के कीड़े, ये भी रिमूव हो चुके हैं। आ गया हमारा चाकू, और ये भी घिनौने ही टाइप के कीड़े थे, इसको भी देखिए रिमूव किया बहुत ही सेफ तरीके से। आ गया हमारा क्रोमा चाकू, और ये जाली वाले कीड़े को एक ही बार में रिमूव करके निकल चुका है। अब आ गया हमारा बड़ा वाला चाकू, इसके हेड पे लगे हुए कीड़े को निकाला एक ही बार में एक कीड़े को, और ये दूसरा वाला कीड़ा बचा हुआ था तो इसको भी सेफ तरीके से निकाल चुका है। आ गया हमारा दूसरा छोटा वाला चाकू, और देखिए काटेदार वाले कीड़े को एक ही बार में रिमूव कर चुका है बहुत ही सेफ तरीके से। आ गया हमारा स्प्रे का बॉटल जिसमें दवा है, तो दूसरी जगह भी हम लोगों ने दवा डाल दिया है इसके पूरे फेस पे। तो देखिए हम लोग कॉटन वूल रुई से इसे साफ कर देते हैं और टाइमर चला देते हैं। टाइमर चलाने के बाद देखते हैं इसका फेस जो कि है क्लीन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो